जय हिंद दोस्तों। ये अशोक लेलैंड खड़ी हुई, देखो गाड़ी भी बंद हो गई। अभी शायद ड्राइवर नए है लेकिन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं घाट को। सीधी ट्रिक है फर्स्ट लेके मोशन बना के निकलना। अभी निकली है गाड़ी जगह से और NL01 नागालैंड पासिंग गाड़ी है। देखो कार वाले रॉन्ग साइड से भी जाते हैं और जो मोशन पकड़ा था 28B से सुंदर तरीके से निकलती हुई। अभी कोई टेंशन नहीं गाड़ी को और ये लोकल गाड़ी है कि 10 चक्का टाटा। ये भी सुंदर तरीके से निकलती हुई। बहुत ही लंबी गाड़ी है, देखो 6 चक्का है भारत बेज। डेंजरस कैबिन, देखो राइडर आया है। राइडर आगे वाली भारत बेंच है हरियाणा पास। बघेल लिखाई पीछे सुंदर तरीके से निकल गई गाड़ी। टाटा की ओल्ड गाड़ी है 10 चक्का स्पीड से आती हुई आयशर पीछे से। RPM कम होता गाड़ी का, गियर बदलते हुए गाड़ी रुक गई और आयशर भी पीछे रुक गई क्योंकि रास्ता ही खुला नहीं था, इसलिए क्या करें। अभी देखो काला धुआं, ये बारामती एग्रो की गाड़ी है। और एक लेलैंड 14 चक्का गाड़ी कोशिश कर रही है घाट पास करने की। आगे से गाड़ी है, RPM कम हुआ है गाड़ी का, गियर बदलने की कोशिश। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की गाड़ी है MH09 लेलैंड है भाई, लेलैंड है। धीरे से ऐसे ही गाड़ी ने फिर से मोशन पकड़ लिया है और सुंदर तरीके से निकलती हुई गाड़ी। और एक गाड़ी रुक रही है, उठा फिर से और ट्रैफिक भी खुला होता हुआ। आयशर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की गाड़ी है, 12 चक्का गाड़ी, लोहे का लोड है पीछे लेकिन निकल गया अच्छी तरीके से। पावरफुल मशीन है आयशर की। टाटा का टैंकर है हीवी लोडेड, घाट पास करने की कोशिश कर रहा है। अभी ये गाड़ी पहली चढ़ान पे देख सकते हैं। चढ़ान चढ़कर गाड़ी ऊपर आई है, चौदह चक्का गाड़ी और DS6 मॉडल है। गाड़ी नई है, पावर भरपूर है गाड़ी में। गुजरात पासिंग GJ02, देखो RPM कम हुआ, गियर नहीं चेंज किया कुछ नहीं, गाड़ी निकल गई। ये गाड़ी कंडीशन होने का ये फायदा होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद दोस्तों।